हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुर्गदेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। इस कोरोना वाली सिचुएशन में भी आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो टाइम है ये बहुत ही बुरा टाइम है, बट कोई बात नहीं, बुरा टाइम आता है तो चला भी जाता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे कि अपने घर में रहना है, अगर बाहर कहीं जाए तो मास्क पहन के रखना है, बाहर से आए तो अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, अपनी ड्रेस चेंज करनी है, आपको नहाना है। तो आपके जो सावधानी है आप खुद ही बरतें, क्योंकि आपको सेफ रखने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने आप को सेफ रखना होगा। और अगर आप सेफ रहेंगे तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी। और हाँ, अगर घर में बैठ के आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं तो आप मेरे ये DIY ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन भी बहुत बेहतरीन बनी रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं आपके लिए लेके आऊंगी ऐसा एक होममेड रेमेडी, जिससे कि आप अपना घर बैठे टैन दूर कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट का केमिकल प्रोडक्ट पसंद नहीं है। तो अगर आपको मार्केट का केमिकल प्रोडक्ट पसंद है तो मेरी लास्ट वीडियो में जो कि मैंने आपको बताया था लैक्टो का फेस पैक, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए हमें सिर्फ 3 चीजें, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए जो 3 चीजें हमें चाहिए वो है, सबसे पहले चीज तो है बेसन, जो कि हमारे हर एक होममेड पैक में आता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरी चीज, वो है ऑरेंज पील पाउडर। अगर आप मार्केट का ऑरेंज पील पाउडर यूज नहीं करना चाहते हो तो आप घर पे भी संतरे के छिलके से ऑरेंज पील पाउडर बना सकते हैं। आपको करना क्या है, जो संतरे के छिलके होते हैं उसको उतार के और उनको सुखा के और फिर ग्राइंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसमें जो दरदरापन होता है वो नहीं होना चाहिए। आप अगर चाहें तो उसको कपड़े से छान सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट एंड लीस्ट चीज है वो है दही। तो दही सबके घर में अवेलेबल होता है मोस्टली, क्योंकि ये गर्मियों का टाइम चल रहा है तो गर्मियों में दही सबके घर में ही होता है ऑलमोस्ट। तो चलिए इस फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इस कटोरी में ऑलरेडी बेसन ले रखा है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं जितनी क्वांटिटी में मैंने बेसन लिया है उतनी ही क्वांटिटी में मैं यहाँ पे लूंगी ऑरेंज पील पाउडर। मुझे लगभग हाफ स्पून चाहिए ऑरेंज पील पाउडर। और उसके बाद हम लेंगे दही। दही हमें उतना ही लेना है जितने में हमारा जो ये पेस्ट है वो अच्छे से बनके तैयार हो जाए। तो मैंने लगभग यहाँ पे आधे चम्मच के करीब दही लिया है। अभी मैंने इसमें तीनों चीजें मिला ली हैं। मैंने इसमें मिलाया है दही, बेसन और ऑरेंज पील पाउडर। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी जब तक कि मुझे एक अच्छी सी पेस्ट की कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती है। अगर आपको ये थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसमें दही और ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दही की जगह पे कच्चा दूध भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में दही नहीं है या आप दही नहीं यूज करते हैं तो आप उसकी जगह पे कच्चा दूध भी यूज कर सकते हैं। ये अभी मुझे इस टाइप की कंसिस्टेंसी मिली है, बहुत ज्यादा थिक है, तो इसको थोड़ा सा और पतला करने के लिए मैं थोड़ा सा और दही ले लूंगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आधी चम्मच के करीब और दही यूज किया है। अभी ये पेस्ट की कंसिस्टेंसी में आ गया है। आपको बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं करना है, बहुत ज्यादा लिक्विडी नहीं करना है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने क्लीन फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। आपको बहुत ज्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, बहुत ज्यादा पतली लेयर नहीं लगानी है। आप ऐसी लेयर लगाएं जो कि ना बहुत ज्यादा मोटी हो ना बहुत ज्यादा पतली हो। और उसके बाद आपको इसको 80% तक सुखाना है, आपको पूरा नहीं सुखाना है। और ये जो फेस पैक है, अगर आप इसको नाइट टाइम में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कोई भी फेस पैक है, अगर आप रात में लगाते हैं तो उसके बाद आप फेस वॉश करके अपने स्किन पे जो भी आपकी फेवरेट नाइट क्रीम है उसको अप्लाई कर लेते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि दिन के टाइम में अगर हम कोई भी फेस पैक लगाते हैं और हमें धूप में जाना पड़ता है तो फेस पैक का उतना ज्यादा हमें असर दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए अगर कोई भी फेस पैक आप लगा रहे हैं तो नाइट टाइम में लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर आप चाहें तो आप इस फेस पैक को अपने पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने हैंड्स पे, अपने नेक पे, अपने लेग्स पे, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने जो भी चीजें यूज करी हैं सब में होता है विटामिन सी। जैसे कि हमने दही यूज करा है, दही में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, और साथ ही साथ जो हमने ऑरेंज पील पाउडर यूज करा है उसमें भी बहुत सारा विटामिन सी होता है। काफी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है, आप बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन से परेशान है, मोस्टली लेडीज की प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ अभी तक, मेनली जो फीमेल पर्सन हैं
उनसे मैं मिली हूँ। 80% फीमेल की मैंने सेम प्रॉब्लम देखी है, वो है पिगमेंटेशन, जो कि कभी नहीं जाती है। कई लोग तो मेरी फ्रेंड्स और कई मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और वो कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करना अच्छा होता है, उससे चले जाते हैं, इंस्टेंटली चले जाते हैं, आई मीन विद इन अ वीक उनको प्रॉफिट मिल जाता है। बट जैसे ही वो वाला प्रोडक्ट यूज़ करना बंद करते हैं, वैसे ही उनको वो सेम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहले कम होती है पिगमेंटेशन, बट आफ्टर जब वो क्रीम बंद कर देते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा होने लगती है उनको प्रॉब्लम। बट ये जो हमारी होम रेमेडीज होती हैं, इनसे एक ही बेनिफिट होता है कि जब भी आप ये होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, इसका असर बहुत धीरे दिखता है, बहुत कम दिखता है, बहुत बाद में दिखता है। बट ये जो हमारी होम रेमेडीज होती है, ये हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका परमानेंट सॉल्यूशन देके जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लगाना बंद कर देंगे तो आपकी स्किन पे दोबारा से सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि ये होम रेमेडीज होती है तो हमारी स्किन को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है और हमारे स्किन को काफ़ी बेनिफिट देती है। तो आप ये वाला जो फेस पैक है ये ज़रूर ट्राई करें। और अभी मैं बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर हम कोई भी फेस पैक अप्लाई करते हैं उसके बाद हमें बोलना नहीं होता है, क्योंकि अगर जब वो फेस पैक सूखने लगता है तो हमारी स्किन खिंचने लगती है, क्योंकि ये हमारी स्किन टाइटनिंग में भी काम करता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई फेस पैक अप्लाई करें तो उस टाइम पे चुपचाप रहें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना बोलें। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे जब ये फेस पैक सूख जाता है उसके बाद। तो ये जो भी मेरा फेस पैक है वो 80% तक सूख चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल ज़्यादा ड्राई हो गए, यहाँ से बिल्कुल ड्राई हो गए, यहाँ से भी ड्राई हो गए, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा भी ये नहीं ड्राई हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसी टाइम पे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं रखना है, तो इसी टाइम पे हम इसको रब करते हुए अपने स्किन से रिमूव कर देंगे। आपने कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसाज करनी है, ताकि ये आपके फेस पे अच्छे से स्क्रबिंग का भी काम करे। तो इसको अच्छे से स्क्रब करते हुए रिमूव करना, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड अपने हाथों से मसाज नहीं करनी है। अगर आप लाइट हाथों से मसाज करना चाहते हैं तो आप ये 2 फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं, एक मिडल फिंगर एक रिंग फिंगर। इन 2 फिंगर्स की हेल्प से आप मसाज करें, क्योंकि ये जो 2 फिंगर होती है ये हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा लाइटली चलती हैं। और अब मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरे फेस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यूज़ करूँगी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर, बायोटिका मॉइस्चराइजर। ये मैंने ट्रैवलिंग पैक रखा हुआ था अपने पास छोटा सा, बट अब मैं सोच रही हूँ कि पहले इसको फिनिश कर लूँ उसके बाद मैं अपना दूसरा पैक निकालूँ। बट हाँ, मॉइस्चराइजर लगाने से पहले आप अपने फेस पे लगाएंगे अपना फेवरेट कोई भी टोनर। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप टोनर की जगह पे रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा टोनर अभी ख़त्म हो गया है, और जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अभी डिलीवरी भी नहीं हो रही है, तो इसीलिए मैं आज टोनर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ डायरेक्ट अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर, जो कि है बायोटिक का मॉइस्चराइजर। और अगर आप चाहें तो आप मॉइस्चराइजर की जगह पे अपनी कोई फेवरेट नाइट क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये नाइट टाइम है तो आप कोई भी अपनी फेवरेट नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।